जनता की सेवा के लिए। एक विकसित मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश का ही हो जाता है तब बुलडोजर भी चलेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर से टीकमगढ़ में आयोजित हुए कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़कर लाडली बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर योजना के आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया एवं बहनों को शुभकामनाएं दी। टीकमगढ़ में आयोजित हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एवं प्रदेश के वन राज्य मंत्री श्री राहुल लोधी ने योजना का पहला फॉर्म सुश्री लक्ष्मी रेखवार का भरवाया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरी बहनों, हमने ये फैसला कर लिया है कि रसोई गैस का सिलेंडर अब 450 रुपए में लाडली बहनों और उज्ज्वला योजना के हितग्राही बहनों को मिलेगा। लाभ लेने के लिए बहनों को सिर्फ आवेदन करना होगा। लाडली बहना योजना की तरह आपके गांव व शहरों के वार्डों में गैस सिलेंडर के लिए पंजीयन होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम सरकार नहीं परिवार चलाते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि अक्टूबर में 1250 रुपए मिलेंगे, धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिए जाएंगे जिससे आपका जीवन स्तर बदल सके। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ओंकारेश्वर से टीकमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़कर 268 करोड़ की लागत से बनने वाले शासकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। सीएम श्री चौहान ने कहा कि टीकमगढ़ में अब मेडिकल कॉलेज बनेगा, इस सौगात के लिए आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एकात्म धाम ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की एवं संतों के साथ यज्ञशाला में आहुति डालकर विशेष धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जी 18 सितंबर को ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य जी की बहुधातु की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एकात्म धाम के रूप में एक अद्भुत रचना ओंकारेश्वर में हो रही है। मेरा विश्वास है कि एकात्म धाम संघर्ष नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम और समन्वय के संदेश के साथ संपूर्ण विश्व को एक नई प्रेरणा देगा। पहले चरण में आचार्य भगवान की प्रतिमा का अनावरण होगा, उसके बाद बाकी के कार्य पूर्ण होंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास स्थित सभागार में महान अभियंता एवं राजनयिक भारत रत्न से विभूषित सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास स्थित सभागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघचालक श्रद्धेय के एस सुदर्शन जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सुश्री सिंथिया मैकफ्री के साथ बरगद, जामुन और कदम के पौधे रोपे। पौधरोपण में यूनिसेफ मध्य प्रदेश प्रमुख सुश्री मार्गेट ग्वाडा भी साथ थीं।